बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी वीडियो का आगाज़ मैं अल्लाह ताला की रहमत के साथ करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। इसी के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जो मेरी वीडियो है वो एक मेरा सिंपल सा व्लॉग होगा जिसमें मुझे बहुत से ऐसे काम हैं अपने जो मेरे पेंडिंग थे, जो मुझे करने थे, तो आज मैं वो सब करूँगी। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें। और इसी के साथ साइड पे लगे बेल आइकॉन को हिट कर दिया करें। इससे ये होगा कि आपको जो मेरी नोटिफिकेशन होगी वीडियो की, मतलब है मेरा ये कि अगर जो मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो वो जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप उसको ऑन करेंगे, उसे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वीडियो को आसानी अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे। डैट्स इट। तो चलिए चलते हैं जहाँ मुझे जाना है। तो मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट टास्क है वो ये है कि मुझे स्टाइलो पे जाना है, क्योंकि अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे हों और अगर आप मेरे व्लॉग्स को देखते हों शौक से, तो आपको पता होगा कि मैं गई थी स्टाइलो हेयर एनर्जी की कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करने। तो बट उनकी कुछ एक दो प्रोडक्ट्स की कुछ पैकेजिंग ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। अच्छे इनकी प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छी हैं, बट उनकी कुछ रोज़ वाटर की पैकेजिंग ऐसी थी, पैकिंग ऐसी हुई हुई थी कि मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुई ना, यू नो। तो इसीलिए मैंने वो वापस करनी है और कुछ प्रोडक्ट्स बाय करनी है। तो यहाँ पे मैं स्टाइलो आ चुकी हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स को बाय कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या बाय किया है और कौन सी प्रोडक्ट हेयर एनर्जी की और बाय की है आपको रिव्यू के लिए, तो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हो सका तो मैं इसी व्लॉग में आपको बता दूँगी घर जाके। लेकिन अगर पॉसिबल ना हो सका, क्योंकि मैं व्लॉग को बहुत लेंथी, बहुत लंबा नहीं करना चाहती, तो मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी कि मैंने क्या बाय किया है हेयर एनर्जी का जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट बाय किया जो डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, और बस देखूंगी उसका रिव्यू करूंगी कि वो कैसी है। तो चलिए, मैंने यहाँ से चीज़ें बाय कर ली हैं। मैंने कुछ शूज़ देखने थे अपने लिए, बट मुझे फाइनली कोई शूज़ पसंद नहीं आया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो जी, मेरा मेरा नेक्स्ट टास्क ये है कि मैं ओप्पो की सर्विस सेंटर में आई हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था ओप्पो फाइंड एक्स वो टूट गया है बहुत ही बेदर्दी से। तो उसे मुझे चेक करवाना था कि क्या वो ठीक हो सकता है, क्योंकि उसमें मेरा बहुत सा डाटा है और कुछ मेरी वीडियोस हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी थी लेकिन नहीं कर पाई। तो फ़ोन तो मैंने नया ले लिया है, मैंने लिया है Mate 10 पोर्शे डिज़ाइन हवावे का। उसका कुछ उसी से मैं आपसे मतलब वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर आपने ओप्पो फाइंड एक्स इस्तेमाल किया है तो आप सबको पता होगा कि ओप्पो फाइंड एक्स के बाद कोई भी फ़ोन जो है ना, वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपकी क्या राय है आई डोंट नो, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। उसका रिज़ल्ट ऑसम था। तो वहाँ मैं गई और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन इस पे जो आपको कॉस्ट है वो अराउंड 40,000 आएगी। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं ठीक करवाऊँ कि ना करवाऊँ, क्योंकि 40,000 इट्स इनफ, बिकॉज इसमें तो अब ओप्पो फाइंड एक्स आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। बट मुझे फ़ोन का इशू नहीं था, फ़ोन मैं ले चुकी हूँ। अगर मुझे ये भी पसंद ना आया तो मैं इसे भी चेंज कर लूँगी, बट मेरा कुछ डाटा है उसमें जो ओप्पो फाइंड एक्स में है जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं जो मेरे पास अब बिल्कुल नहीं हैं। खैर, तो देखते हैं क्या करना है, 40,000 लगाना है नहीं लगाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि है अलफते। मुझे कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी, अपने लिए कुछ लेना था, तो चलिए लेते हैं। आ जाएं आप सब। तो जी चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या लेना है। ऐसा मुझे इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लेना, क्योंकि ग्रॉसरी मैं कर चुकी हूँ। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बाय करनी थी, तो मैंने कहा चलिए अलफते पास ही था तो क्यों ना बाय कर ली जाए।
सबसे अच्छी बात यह हुई है कि बाहर वेदर बहुत अच्छा है, तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। तो यहाँ पे मुझे अपना टीथ ब्रश लेना था, तो मैं वो ले रही हूँ। और जो टीथ ब्रश है वो आफ्टर 15 डेज आप चेंज कर दिया करें तो बहुत ही अच्छा है आप सबके लिए, वरना 1 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं चेंज कर लेती हूँ जल्दी। और मुझे यहाँ पे ऑयल चाहिए था, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, लेकिन मुझे वो यहाँ से मेरी पसंद का नहीं मिल रहा था, तो मैं उसे ढूंढ रही थी। तो फाइनली वो जो मैंने लेना था वो मुझे नहीं मिला। और इसके बाद मुझे कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेनी थी, तो वो मैं देख रही थी कि मैं क्या लूँ, सोच रही थी, तो मैंने फाइनली ले लिया। तो मैंने क्या लिया है, मैंने बहुत कुछ लिया है। तो अब मुझे बर्गर पैटी लेने थे, अब मुझे मायोनीज चाहिए थी अपने सैंडविचेस के लिए, अपने बर्गर्स के लिए, बट मुझे जो चाहिए थी वो नहीं मिली। और फिर मैंने यहाँ से एक नई चीज़ ली है जो कि वीडियो मेरे से मिस हो चुकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। वो सैलड ड्रेसिंग है, बट सुना था कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और उसको बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी। तो उसका मैं देखूंगी घर जाके, अगर मुझे पसंद आई तो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूंगी कि आप भी उसे ट्राई कर सकते हैं। तो और भी मैंने बहुत कुछ लिया है लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ से मुझे अपनी एक हैंड क्रीम लेनी थी, उसके लिए मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने लिफ्ट यूज़ की। तो चलिए चलते हैं। तो मैं बात ये कर रही थी कि आज बाहर वेदर बहुत अच्छा है और मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, और इसीलिए मेरा इतना टाइम जो है वो बाहर स्पेंड हो गया। और इसी तरह आज जो मेरा डे है वो बिज़ी है। घर से आप बाहर जाएं तो आपको होता है कि आप बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके पेंडिंग हैं, आप उसे कर ही लें तो अच्छा है। तो फाइनली मुझे मेरी हैंड क्रीम यहाँ से नहीं मिली, तो कुछ नहीं कर सकते, चलिए चलते हैं। मुझे वो बहुत पसंद थी हैंड क्रीम, डे में बहुत अच्छी रहती है, बट फाइनली मुझे नहीं मिली। चलें कहीं और से ट्राई करेंगे, तो आज तो नहीं कर सकती, नेक्स्ट कभी करूँगी ट्राई। तो यहाँ आप कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे होंगे, तो मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं यूज़ करती, नहीं पीती, ये जस्ट गेस्ट के लिए होती हैं कि समटाइम कोई आ जाता है या बाहर बहुत जैसे लाइक माली आता है, इसलिए लेती हूँ, अपने लिए मैं नहीं लेती। मैं बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं पीती, बहुत ज़रूरी भी हो तो मैं जस्ट स्प्राइट ले लेती हूँ थोड़ी सी, इनफ। तो यहाँ मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग हो चुकी थी, मैंने बहुत कुछ बाय किया था और उसका जो बिल है वो ऑलमोस्ट 9,900 रुपीज़ बना। तो बस क्योंकि मेरी टूथपेस्ट भी ख़त्म थी और ब्रश भी ख़त्म था, और मैंने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स भी बाय की हैं जिसका रिव्यू मैं आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे आने वाले व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा, वो आपको अलफतेह से ईजीली मिल जाएगी, कोई वो चक्कर नहीं है कि आपने उसे ऑनलाइन बाय करना है। हर सिटी में अलफतेह होता है, इजीली मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मैंने आज बाय की हैं। मैंने क्या बाय किया है, मैंने रोज़ वाटर किसी ब्रांड का बाय किया है, चलिए मैं बताती चलती हूँ। स्पा इन अ बॉटल का मैंने रोज़ वाटर बाय किया है, एसेंस बाय किया है, तो उसके लिए आप मेरे आने वाले व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज से मैं उनका रिव्यू आपके लिए स्टार्ट कर दूँगी, उन्हें यूज़ करना, और ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि एसेंस जो है ना गर्ल्स, ट्रस्ट मी, अगर आप सब में से कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिन्हें नहीं पता कि एसेंस कितना ज़रूरी होता है, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने परचेज़ किया है स्पा इन अ बॉटल का, तो मैं आपको बता दूँगी उसका फाइनल रिव्यू। तो ये भी आपने देखी वीडियो, ये मैंने कुछ अपनी मैं कहाँ गई थी, सॉरी, अभी तो मैं चॉकलेट खा रही थी, मुझे भूख लग गई थी, तो लास्ट पे मैं गई थी, मुझे कुछ पार्सल था वो भेजना था कहीं, तो इसलिए मैं कोरियर ऑफिस गई थी। और उसके बाद फाइनली मैं फ्री हो गई और मुझे बहुत सुकून फील हो रहा था कि मेरे फाइनली सब काम हो गए। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट के रिव्यू में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने सेवा बस्ता लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।